टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं इनके लिए जो है सरकार के तरफ से तमाम योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इनका हक है, इनका अधिकार है, वो स्कॉलरशिप इन तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आपको बता दें कि मुंब्रा में समाजवादी पार्टी के तरफ से छात्र और छात्राओं के लिए जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, और मुंब्रा में कई जगह जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सेंटर भी लगाए जाएंगे, जो लोग वहां पहुंचकर स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो फैसल चौधरी है, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि किन योजनाओं के तहत ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। फैसल भाई, आप ये बताइए कि जो स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर आज फॉर्म भरा जा रहा है, ये कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके तहत ये फॉर्म भरा जा रहा है, और कौन कौन से स्कूल हैं, कौन कौन से ऐसे क्लास के छात्र छात्राएं हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी? यहाँ पे तीन स्कीम चलाई जा रही है। नेशनल स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जिसमें पहली से लेकर पीएचडी तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। दूसरी से जो लड़कियों के लिए है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियों के लिए स्पेशली हजरत बेगम मेल बोला जाता है, जो ये मंथ के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी स्कीम महाडीबीटी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को दी जाती है, और इसके अंदर हर स्टूडेंट्स फिलअप कर सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम प्रूफ और रिजल्ट मिनिमम 50% होना कंपलसरी है। और लड़कियों के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, महाडीबीटी के लिए भी वही प्रोसेस है। अच्छा, आज जो है आपके ऑफिस में यहाँ पर जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर आए थे, तो ऐसे ये भी बात सामने आ रही है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो है मुंब्रा कौसा में जो कई जगह से सेंटर खोले जाएंगे, जो लोग वहाँ पर आकर फॉर्म भरेंगे, तो कितने जगह है, कौन कौन से वो एरिए है जहाँ पर ये सेंटर खोला जाएगा? हम तकरीबन 5 सालों से ये काम कर रहे हैं, जिसमें हर साल का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल 4,500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी, जिसको देखते हुए हमारे एमएलए गोंडी के महाराष्ट्र सदर अबू असीम आजमी साहब के निगरानी में मुंब्रा में आदिल खान आजमी साहब के उसमें 5 सेंटर की ओपनिंग की जा रही है, जिसमें हेड ऑफिस है समाजवादी पार्टी की, दूसरा एसके वैली में, तीसरा शेरपाड़ा एसके वैली में, चौथा भारत गेर में और पाँचवा आजमी हॉल में। इन सेंटर्स की ओपनिंग की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कल से ये शुरू हो जाएगा, जिसका बाकायदा ओपनिंग किया जाएगा हमारे एमएलए रईस शेख के हाथों से। और क्योंकि स्टूडेंट्स शीलपाटा से लेके आते हैं, कोई मुंब्रा से आता है, कलवा से आते हैं हमारे इधर, तो उनके सहूलत को देखते हुए आसिम भाई ने कहा है कि भाई हर जगह ये कैंप लगाया जाए। अच्छा, जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें किस तरह के जो है डॉक्यूमेंट जो है लाना जरूरी है, जैसे जो आई फॉर्म लेट, क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा? पहला तो आधार कार्ड स्टूडेंट्स का रहना जरूरी है, दूसरा बैंक पासबुक है अगर पेरेंट्स का है तो भी ठीक है, तीसरा रिजल्ट है जिसका मिनिमम 50% रहना चाहिए, और चौथा इनकम प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लाना कंपलसरी है। फैसल भाई, जो ये फॉर्म भरा जा रहा है स्कॉलरशिप के लिए, तो ये कब तक रहेगा, इसका कोई समय सीमा है, कब तक आपके यहाँ ऑफिस में और जो सेंटर बनेंगे कब तक चालू रहेंगे? ये स्कीम हर साल 15 जुलाई को स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन ये साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से 16 अगस्त से स्टार्टअप हुआ है, जिसकी ओपनिंग बाकायदा अबू असीम आजमी साहब ने की थी आके 16 तारीख को, और ये स्कीम 31 अक्टूबर तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रहेगी, और आगे इंशाल्लाह इसकी तारीख बढ़ाने के लिए आसिम भाई से बोला जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट की जाएगी सरकार से कि भाई इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। और ये सब कोविड की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, जिनको सबसे बड़ा मसला हमारे इधर स्कूल्स को लेके आ रहा है, फीस को लेके आ रहा है, तो मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म इस योजना का फ़ायदा उठाएँ। अबू असीम आजमी साहब ने पूरे महाराष्ट्र में कैंप लगाने को कहा गया है, जहाँ पे गोवंडी में कुछ 14 सेंटर्स हैं, कल रईस शेख साहब आएंगे हमारे भिवंडी के एमएलए, वो भी उसकी शायद ओपनिंग करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज एरिया थाने जिला में सबसे ज्यादा मुंब्रा में है, और मुंब्रा में 1,60,000 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स है, तो मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 50% लोग इसका
फायदा उठाएं। तो आपने सुना कि जिस तरह से स्कॉलरशिप के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है और कई सेंटर भी खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा मिल सके, और खास तौर पे स्कूलों को भी इसमें जो है समर्थन देना चाहिए, स्कूलों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं दी जाती है स्कॉलरशिप के लिए लोगों को उसमें मिल नहीं पाती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कई सालों से यहां पर इस तरह के काम कर रही है जिसमें मुमरा कौसा के लोग इससे फायदा उठा रहे हैं।